दोस्तों, न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज 2021 सेकंड एंड फाइनल टेस्ट डे 4, न्यूजीलैंड बीटिंग इंग्लैंड बाय 8 विकेट, आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड टीम, न्यूजीलैंड बीटिंग इंग्लैंड एंड इंग्लैंड सेकंड टेस्ट विन बाय 8 विकेट, सीरीज विन 1-0, आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट परफॉर्मेंस टीम न्यूजीलैंड बोथ साइड बॉलिंग बैटिंग, इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग 303 एंड सेकंड इनिंग लो स्कोर 122, न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग 388 एंड सेकंड इनिंग 41 बाय 2 विकेट, न्यूजीलैंड विन बाय 8 विकेट, आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट परफॉर्मेंस टीम न्यूजीलैंड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल के बटन पर क्लिक करना ना भूले। वीडियो की जानिब, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को अपनी सरजमीन पर दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट पर शिकस्त दी, शराना शिकस्त दे दी इंग्लैंड को और सीरीज 1-0 से न्यूजीलैंड के नाम। आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला किया और पहले इनिंग में 303 रन बनाए और दूसरी इनिंग में 122 रन बनाए और इस तरह 38 रन का टारगेट दिया न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में 388 रन बनाए और दूसरी इनिंग में 41 रन बनाए, 2 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड ने शानदार उमदा जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा ना दिखा सके अपने सरजमीन पर, न्यूजीलैंड ने शानदार खेल पेश किया बॉलिंग बैटिंग दोनों शुबों में और इंग्लैंड को शर्मनाक शिकस्त से दोचार किया। इंग्लैंड ने पहले इनिंग में बर ने शानदार उमदा 81 रन की इनिंग्स के लिए और सीबी ने 35 रन की इनिंग्स के लिए और लेविस ने 81 रन की इनिंग्स के लिए, माकवुड ने 41 रन, ये नुमाए बैट्समैन ने उनकी बदौलत को 303 तक पहुंचा। पहले इनिंग में ट्रेडवुड ने 85 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी, हैरी ने 78 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी, वार्नर ने एक विकेट हासिल की और इजाज पटेल ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। पहले इनिंग में न्यूजीलैंड ने शानदार उमदा 388 रन की इनिंग्स के लिए, खेरवन ने 80 रन की इनिंग्स के लिए, वेल यंग ने शानदार 82 रन की इनिंग्स के लिए, ठेलर ने 80 रन की इनिंग्स के लिए और ब्रैडल ने 34 रन की इनिंग के लिए, इनकी बदौलत स्कोर 388 तक पहुंचा। इंग्लैंड की जाने से पहले इनिंग में न्यूजीलैंड के खिलाफ स्टारबोर्ड ने 48 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी, एडिसन ने 68 रन देकर 1 विकेट हासिल की, माकवुड ने 85 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, स्टोन ने 92 रन देकर 2 विकेट हासिल की और लेविस ने 16 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग में बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और पूरी टीम 122 पर ढेर हो गई और 38 रन का टारगेट दिया न्यूजीलैंड को, जिसने 2 विकेटों के नुकसान पर आसानी से हदफ हासिल किया। दूसरी इनिंग में कोई भी बल्लेबाज उमदा बल्लेबाजी का मुजाहरा न कर सका और पूरी टीम 122 पर ढेर हो गई, रेत की दीवार साबित हुई न्यूजीलैंड के बॉलरों के सामने। बर ने बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए, सीबी 8 रन बनाकर आउट हो गए, केरवी ने 17 रन बनाकर आउट हो गए, जे रूट कप्तान 11 रन बनाकर आउट हो गए, पोप 23 रन बनाकर आउट हो गए, लेविस ने बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए और ब्रैश ने 8 रन बनाकर आउट हो गए, स्टोन ने 15 रन बनाकर आउट हो गए, माकवुड ने 29 रन बनाने के बाद आउट हो गए और स्टारबोर्ट ने 1 रन बनाया, एंडिसन बगैर कोई रन बनाए नट आउट रहे और इस तरह पूरी टीम 122 पर ढेर हो गई 41.1 ओवर में। न्यूजीलैंड के जाने से दूसरी इनिंग में भी मार्टर हैरी ने शानदार 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी, ट्रेडबोर्ट ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी, वार्नर ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी, अजीज पटेल ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। न्यूजीलैंड की जाने से दूसरी इनिंग में लेतन ने 23 रन की इनिंग के नट आउट रहे और केवी ने 4 बालों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए, विल यंग ने 31 बालों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए, रॉस टेलर बगैर कोई रन बनाए नट आउट रहे और इस तरह 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की न्यूजीलैंड ने। 41 रन में 2 विकेट के नुकसान पर 10.5 ओवर में 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड की जाने से दूसरी इनिंग में न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेट हासिल की, ब्रॉड ने 13 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, स्टोन ने 5 रन देकर 1 विकेट हासिल की। 2 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड ने 1-0 से सीरीज अपने नाम की, शानदार उमदा इंग्लैंड को अपनी सरजमीन पर सरमना शिकस्त से 2-4 किया, मार्टर हैरी को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करा दिया और खान वेन ने सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करा दे दिया। वीडियो आपको कैसे लगे अपनी राय से जरूर दें। फॉर वॉचिंग।